ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं उस सस्पेंस को लेकर के जो जनवरी स्टार्टिंग से ही बना हुआ है, एक शिवोत्सव को लेकर के। और बहुत सारे शिव भक्तों ने अंदाजा लगाया कि ये शिव उत्सव कृतिका नक्षत्र भी हो सकता है, आद्रा नक्षत्र भी हो सकता है, या फिर मकर संक्रांति भी हो सकता है। और ये विशेष शिव उत्सव जो कि मैंने कहा था जनवरी में एक बहुत बड़ा विशेष शिव उत्सव हो सकता है, ये है 25 जनवरी पौष मास की पूर्णिमा। एक बहुत विशेष और महत्वपूर्ण दिवस शिव भक्तों के लिए भी और शिव पूजा के लिए भी अनुग्रह का दिवस है। अनुग्रह का दिवस कैसे? अनुग्रह का दिवस एक आपने थोड़े समय पहले ही सेलिब्रेट किया था, एक उत्सव को आपने मनाया था जिसे महाआद्रा नक्षत्र के रूप में जाना जाता है, जब स्वामी ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में अग्नि स्तंभ रूप से प्रकट हुए थे और बाद में फिर अरुणाचल स्वरूप में अवस्थित हुए। इसी प्रकार ये भी एक अनुग्रह का दिवस है और ये तमिल में थाईपुसम के रूप में जाना जाता है। ये वो दिन है जब माता पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी को उनका आयुध, जिसे वेल कहा जाता है, जो कार्तिकेय स्वामी भाले जैसा एक आयुध धारण करते हैं अपने हाथ में, उसे वेल कहा जाता है। माता पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी को इसी दिन दिया था। किंतु एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इस दिन है जो इस दिन को बहुत विशेष बनाता है और शिव भक्तों के लिए एक डायमंड समय है। अनुग्रह की जब बात हो रही है तो ये वो समय है जब दो महत्वपूर्ण ऋषि पतंजलि मुनि और व्याघ्रपाद मुनि की तपस्या को फलीभूत करते हुए स्वामी इसी दिन पौष मास के पुख्य नक्षत्र पर, इस दिन पुख्य नक्षत्र भी है, गुरुवार भी है, गुरु पुख्य है, इस दिन स्वामी पहली बार इन दोनों ऋषियों की तपस्या को फलीभूत करते हुए लिंगम में से नटराज स्वरूप में प्रकट हुए थे। अनुग्रह का ये दिन है, अनुग्रह इन दोनों ऋषियों पर किया, एक अद्भुत स्वरूप का स्वामी ने दर्शन इन दोनों ऋषियों को करवाया। और नटराज स्वरूप अपने आप में इतना अद्भुत है, जो शिव भक्त इस स्वरूप को अच्छे से समझ लेता है, वैसे तो स्वामी के किसी भी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल है, किंतु मीडिएटर जो होते हैं, जिनकी वजह से हमें कल्याण की प्राप्ति होती है, उनकी वजह से हम इन चीजों को समझ पाते हैं। और नटराज स्वरूप, इतना अद्भुत कल्याणकारी स्वरूप यदि हमें प्राप्त हुआ तो केवल दो की वजह से, व्याघ्रपाद मुनि और पतंजलि मुनि। इसलिए सबसे पहले इन्हीं को प्रणाम करना चाहिए। नटराज स्वरूप जिसके जो चिदम्बरम में तिलवन या तिल्लई में स्थापित है, स्वामी का यह अद्भुत स्वरूप वहां है, वहां नटराज के एक बार दर्शन कर लेने से ही मुक्ति प्राप्त होती है। इतना अनुग्रह स्वामी ने हम पर किया हुआ है। किंतु जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं कि क्या नटराज की पूजा घर पर कर सकते हैं, तो इतनी अनाप शनाप चीजें आपके सामने प्रकट होगी, इतना डराया जाता है कि नटराज की पूजा करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, घोर मूर्ति है, तांडव मूर्ति है। किंतु अब क्या इनके लिए बोले जो ये चीजें लिखते हैं, तांडव कितने प्रकार के होते हैं, जो तांडव व्याघ्रपाद और पतंजलि मुनि को दिखाया वो परम आनंद तांडव था, पंचकृत्य परमानंद तांडव, परम आनंद तांडव, जिस तांडव को देखने के लिए नारायण भी आतुर रहते हैं और उसे उसका दर्शन करने के पश्चात गदगद हो जाते हैं, ऐसे आनंद तांडव को लोग गलत बताते हैं, जबकि नटराज स्वरूप की पूजा करने वाले भक्त की मुक्ति निश्चित होती है। और यदि ये आनंद तांडव इतना खराब होता या फिर कल्याणकारी नहीं होता, तो ये दोनों ऋषि इतने हजारों वर्षों तक तपस्या करके स्वामी के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन ना करते और इस संसार के कल्याण के लिए स्वामी से प्रार्थना ना करते, इसी स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए। बहुत जल्द इस चैनल पर नटराज सीरीज भी प्रारंभ होगी, जिसमें बहुत सारी डिटेल मैं आपको नटराज स्वरूप की समझाऊंगा। और नटराज स्वरूप बहुत अद्भुत स्वरूप है, इसकी उपासना जो शिव भक्त प्रारंभ कर देते हैं इस स्वरूप की, उनके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। इसलिए इस स्वरूप को प्रणाम करने से पहले हमें इन दो ऋषियों को अवश्य ही प्रणाम करना चाहिए, व्याघ्रपाद मुनि और पतंजलि मुनि। इनकी कृपा से ही हमें इस स्वरूप के दर्शन की व्यवस्था प्राप्त हुई। तो 25 जनवरी
पौष मास की पूर्णिमा गुरु पुख्य नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट समय है। हर एक शिव भक्त को इस विशेष समय में पूजा करनी है। जिस प्रकार से महाद्रा नक्षत्र था उसी प्रकार से उतना ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि स्वामी ने एक अद्भुत स्वरूप का प्राकट्य लिंगम के माध्यम से स्थिर किया था, और चिदम्बरम में आज भी वो लिंगम स्थापित है जिसकी पूजा पतंजलि मुनि और वेदपाद मुनि ने की थी। माणिक्यवासगर जो चार आचार्यों में से एक है, सशरीर नटराज स्वरूप में समा गए थे, और इन चारों आचार्यों ने नटराज स्वरूप को अपने हर एक दीवार में, लगभग हर एक दीवार में ही मेंशन किया है। नटराज स्वरूप पूरे तमिलनाडु के शिव भक्त का हृदय है, और तिलवन या फिर चिदंबरम को विराट पुरुष का हृदय क्षेत्र भी कहा है। बहुत सारी चीजें मैंने नटराज से संबंधित, चिदंबरम से संबंधित इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो में पहले भी बताई है। अब बात कर लेते हैं इस दिन विशेष पूजा में क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक के बारे में। तो आपको इस दिन अभिषेक पंचामृत से करना है। पंचामृत जो शिव भक्त पहले से जुड़े हुए वो जानते हैं, जो नए जुड़े हैं उनको पुनः बता देता हूँ। केला, गन्ना, ड्राई फ्रूट, गुड़ वाली शक्कर और घी, ये पांचों का आपको मिश्रण कर लेना है। गन्ने को बिल्कुल छोटा छोटा कट करके मिक्सी में आप ग्राइंड कर लीजिए, केले को भी ग्राइंड कर लीजिए, और ड्राई फ्रूट को भी आप ड्राई कर लीजिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट भी काफी होंगे। इसमें फिर आप घी और गुड़ वाली जो शक्कर होती है, जैगरी पाउडर जिसे बोलते हैं, उसे मिक्स कर लीजिए। ये आपका पंचामृत हो जाएगा। इससे आपको स्वामी का अभिषेक कर रहे हैं, जब इससे आप लिंगम का अभिषेक करेंगे तब आपको कर्पूर की आरती भी इसी अभिषेक के समय ही दिखानी है। जब अभिषेक का द्रव्य लिंगम के ऊपर होगा तब आप कर्पूर से आरती करें। आरती को साइड में रख दीजिए। इसके बाद पुनः जल से स्नान कराइए। फिर आपको गाय के दूध से स्वामी को अभिषेक करना है। इसके बाद आपको अन्नाभिषेक करना है। अन्न अभिषेक में आपके जो व्हाइट राइस होते हैं, सफेद वाले चावल, आप उबाल करके रख लीजिए, वो ठंडे हो जाए, तब आप पूजा में इन्हें लेकर के आइए। और इससे आपको अभिषेक करना है, इन चावल से, जो पके हुए चावल है, इससे आप लिंगम को ढक दीजिए। फिर इसी स्वरूप में ढके हुए आप स्वामी को प्रणाम करिए, कर्पूर की आरती दिखाइए, पुष्प और बिल्वपत्र भी अर्पित करिए। एक फिर अलग से आपको एक पात्र लेना है, जिसमें से आप पूरा चावल जो आपने लिंगम पर चढ़ाए हैं अभिषेक के लिए, वो सारे हटा करके एक पात्र में निकाल लीजिए, ताकि आप इसे बाद में किसी वृषभ को या फिर नंदी को खिला सके। पुनः शुद्ध जल से आप लिंगम को स्नान कराइए। फिर अच्छे से लिंगम को पोंछ करके शुद्ध वस्त्र से आप भस्म का त्रिपुंड करें, या फिर चंदन का तिलक जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे आप तिलक करें। अभिषेक पूर्ण हो जाए उसके बाद आप 27 दीप प्रज्वलित करें लिंगम के आसपास में, जो 27 नक्षत्रों के प्रतीक होंगे। इसके बाद दीप प्रज्वलन के बाद आपको दो पुष्प ले लेने हैं, या तो आप गुलाब के ले लीजिए या फिर आप कमल के ले लीजिए, जो भी आपको मिल जाए वो उत्तम होगा, किंतु सुगंधित पुष्प होने चाहिए। दो पुष्प आपको लिंगम के लेफ्ट और राइट में रखने हैं, क्योंकि आपके पास विग्रह तो होगा नहीं व्याघ्रपाद मुनि और पतंजलि मुनि का, इसलिए इन पुष्पों को ही आप व्याघ्रपाद मुनि और पतंजलि मुनि समझेंगे। लिंगम के लेफ्ट और राइट में आपको दो फूल रख लेने हैं। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि लेफ्ट में कौन आएगा राइट में कौन आएगा, जस्ट दो पुष्प रखिए, किन्हीं को भी आप लेफ्ट वाले को या फिर राइट वाले को व्याघ्रपाद मुनि पतंजलि मुनि समझ सकते हैं, और उन्हें प्रणाम करते हुए उन पर अक्षत और थोड़े से पुष्प और भी चढ़ाए। इसके बाद बात करते हैं नैवेद्य के बारे में। तो नैवेद्य में इस दिन आपको एक कटोरी जितने या फिर जितना अधिक आप बनाना चाहिए वो आपके ऊपर है, सफेद व्हाइट राइस जो होते हैं वो रहेंगे, सफेद चावल पके हुए, और साथ में अरहर की दाल जिसे तूर की दाल भी कहा जाता है, ये दोनों ही नैवेद्य के रूप में स्वामी को चढ़ाने हैं। इसके बाद आपको लिंगम के समक्ष बैठ करके 108 नाम आनंद तांडव के पढ़ने हैं। ये 108 नाम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ एक अच्छा काम ये भी कर सकते हैं कि आप थोड़े से आधा किलो 1 किलो पुष्प ले लीजिए, और एक एक नाम पढ़ते हुए आप लिंगम पर पुष्प छोड़िए, जैसे शिव कामे मनोहराय नमः, आनंद तांडवाय नमः। इस प्रकार से आप 108 नाम से स्वामी का पुष्पार्चन भी कर सकते हैं, और जिन शिव भक्तों को संस्कृत पढ़ने नहीं आती, कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता, वो शिव भक्त केवल अरुणाचल शिव या फिर नमः शिवाय या फिर आनंद तांडवाय नमः, कोई भी एक नाम जो आपको अच्छा लगे उससे आप पुष्पार्चन कर सकते हैं, या फिर पुष्प नहीं है इतने सारे तो कोई बात नहीं, आप केवल नाम जप वहां बैठ करके कर सकते हैं।
25 जनवरी पौष मास की पूर्णिमा गुरु पुख्य नक्षत्र ताई पूसम, इसको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। हर एक शिव भक्त को इस विशेष दिन शिव पूजन अवश्य ही करना है। अनुग्रह का दिवस है और इस दिन यदि आप व्याघ्रपाद मुनि और पतंजलि मुनि को प्रणाम करते हुए लिंग पूजा करते हैं तो आपको बहुत अनंत कोटि पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि इन दोनों महर्षियों की वजह से ही हमें ऐसे कल्याणकारी स्वरूप के दर्शन प्राप्त हो सके हैं। और चिदम्बरम की महिमा देखिए, केवल एक बार दर्शन से ही आपको मुक्ति प्राप्त होती है। आनंद तांडव का क्षेत्र है, विराट पुरुष का हृदय क्षेत्र है, और मैंने पहले भी एक बहुत सारे वीडियो में बताया है, हर रात्रि को जब चिदम्बरम की शयन आरती होती है तो दुनिया के हर एक मंदिर की देवी शक्ति वहां उपस्थित होती है। कितनी पावरफुल आरती है, कितना पावरफुल ये क्षेत्र है स्वामी का। और एकमात्र क्षेत्र देखिए जहां पर स्वामी ने आनंद में होकर के तांडव नृत्य किया है। बहुत अद्भुत स्वामी की लीलाएं हैं और नटराज सीरीज भी बहुत जल्द प्रारंभ होगी। तो बिल्कुल भी इस दिन शिव पूजन नहीं चूकना है। आप सभी शिव भक्तों से निवेदन है, जब भी समय मिले पूरे दिन में आप उस समय आप शिव पूजन करें। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव, ओम नमः शिवाय।